आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्ट से आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन से किस में बदलना है, इनडायरेक्ट नरेशन में। अब जैसे देखिए डायरेक्ट नरेशन में एक तो ये अंदर वाला पार्ट होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के सॉरी बाहर वाला पार्ट जो कि क्या कहलाता है बताइए, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। और यहाँ पर ये जो वर्ब है सेड इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्लियर है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो बाहर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्लियर है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट बनाना होता है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है ना। तो चेंज होता है केवल किसमें, वर्ब में चेंज होता है, यानी कि सेड टू ये चीज आपका चेंज होता है, क्लियर है। पहला वाला नहीं चेंज होता है और ना ही लास्ट वाला। सेड टू चेंज होता है ना, टोल्ड में, आस्क्ड में, क्लियर है, टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वार्ड में, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, है ना, इसे हमने कल बताया था, क्लियर है। ये चीज आपका हो गया था, पहला चेंज यहां पर होता है। दूसरा चेंज यहां पर ये होता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए डेट लगता है, इफ या वेदर लगता है, सेम क्वेश्चन वर्ड रहता है, टू लगता है, समझ पा रहे ना। ये चीज आपका होता है, ये भी सेंटेंस के अनुसार, क्लियर है। इसके बाद में अब भाई सारा सेंटेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, तो सेंटेंस कौन सा है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मींस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस है मींस इधर अफर्मेटिव और नेगेटिव, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव है, तो वहाँ पर सेड टू टोल्ड में जाएगा, से टू किस में जाएगा, टेल में, सेज टू टेल्स में, और यहाँ पर डेट लगेगा, क्लियर है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर सेड या सेड टू चेंज होता है आस्क्ड में, और यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तब इफ या वेदर लगेगा डेट के प्लेस पर, अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सेम क्वेश्चन वर्ड ही इफ या वेदर सॉरी डेट का काम करेगा, मीन्स इसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाएगा, क्लियर है। अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्डर्ड में सेट टू को चेंज किया जाता है, ऑर्डर्ड में, रिक्वायर्ड में सॉरी रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, वार्ड में, इस तरह से, या कमांडेड में चेंज होता है, क्लियर है। ये चीज होता है, और यहाँ पर टू से या नॉट टू से कनेक्ट किया जाता है, इतना समझ पा रहे हो ना। अगर यहाँ पर इसके अंदर का सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो सेट टू को चेंज किया जाएगा ब्लेस्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, बिस्ड में, क्लियर है, समझ पा रहे ना। और यहाँ पर डेट लगेगा, क्लियर है, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं। कल वाली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वैसे मैं लिंक प्लेलिस्ट में अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आज, क्लियर है। खैर अभी यहाँ पर देखिए, इतना क्लियर है। अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब वहाँ सेट टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, अकॉर्डिंग टू सेंस, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर क्या लगेगा, डेट लगेगा। ये चीज मैंने कल बता दिया था, देखो कल का पूरा एक घंटे का क्लास आज दो मिनट में खत्म, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है ना, अगर क्या है प्रोनाउन है, तो उसको हम लोग चेंज करते हैं एस ओ एन वन टू थ्री के अनुसार चेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड बी से रिलेटेड है, क्लियर है, या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मीन्स यू से रिलेटेड है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बाकी जो बचा ही सी इट दे, क्लियर है। ये चीज आपका अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां जैसे आप यहां एंट्री करोगे, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस जब आप देखोगे
यानी कि रिपोर्टेड स्पीच देखोगे, जब आप रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट में प्रोनाउन है तब आपको दिमाग लगाना होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तब कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, इतना आपने देखा था। इसके बाद में आपको चेंज करना टेंस में चेंज। इज है ना, इज ईटिंग, क्या इज ईटिंग ही रहेगा या वाज ईटिंग या हैड ईटिंग, किस में जाएगा और क्यों जाएगा? एक दो कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ये इज ईटिंग चेंज ही नहीं होता है, टेंस चेंज ही नहीं होता है, है ना। क्लियर है, तो इसके बाद टेंस में चेंज होगा, है ना, टेंस चेंज। यहां पर हम लोग पहुंचे थे, बाकी इतना ये सारा सब कुछ बता दिया गया था। इतना क्लियर है ना सबको, कल वाली क्लास अच्छे से क्लियर है? चलिए फिर, कल वाला क्लियर है तो आज का तो भाई एकदम दिमाग में जाने वाला है। देखो टेंस में चेंज कैसे होगा, इसको ऐसे याद रख लीजिए, ऑल प्रेजेंट है ना, ऑल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा ऑल पास्ट में, है ना, ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इट मीन्स हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट चला जाएगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिख रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अभी इतना क्लियर है सबको, ये ऑल प्रेजेंट जाएगा ऑल पास्ट में जाएगा। एक तो ये हो गया टेंस का चेंज का, दूसरा अब ये समझो, इसको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से समझाते हैं ताकि हमेशा याद रहे। क्लियर है, ऐसे समझो एक गांव ये है, क्लियर है, मान लो एक गांव ये है, गांव थोड़ा सा चौकोर टाइप है, मान लो भाई मानने में क्या है, क्लियर है, और यहां पर सब प्रेजेंट बिरादरी के लोग हैं, समझ रहे हो ना, इस गांव का नाम प्रेजेंट है और इस गांव का नाम क्या है, पास्ट है। क्लियर है, समझे, और एक गांव और है जिसका नाम है फ्यूचर और बाकी सब पुरावा है। क्लियर है ना, हाँ समझ पाए, बाकी सब पुरावा है छोटे छोटे जो हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या हुआ आप बताओ, थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए मैं बताऊँगा, है ना, इस गांव का नाम प्रेजेंट है, इस गांव का नाम पास्ट है, बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर दूर गाँव है, पास में नहीं है। क्लियर है, तो अब बताइए, मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, क्लियर है, ये मान लो क्या है, इसकी बिरादरी तिवारी है मान लो, या चौरसिया, कुछ भी मान लो, अभी मानने में कोई दिक्कत नहीं, चलो चौरसिया मान लो, ये चौरसिया है। अब बताओ चौरसिया की शादी किससे कराओगे, चौरसिया से ही कराओगे ना कि दूसरे से करा दोगे, चौरसिया से ही कराओगे, हाँ वो भाग कर ले बात अलग है, ठीक है, लंबा रिच कर ले बात अलग है, लेकिन अभी नॉर्मली क्या होता है, एक इनकी शादी भाई इन्हीं की कॉस्ट जैसा, तो सिंपल सा, इस गांव का नाम प्रेजेंट है, इस गांव का नाम इंडिफिनिट पास्ट है, तो आपने कहा कि चौरसिया की शादी चौरसिया से, दुबे की शादी दुबे से, तिवारी की शादी तिवारी से, गुप्ता की शादी गुप्ता इनसे, आई मीन गुप्ता से। क्लियर है, ऐसे होता है सिंपल सा, तो आप सिंपल सा ऐसे दिमाग लगाओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट में, भाई देखो बिरादरी इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट, समझे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए, क्लियर है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए। अभी समझे, देखो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में गया, पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। भाई कोई पंगा नहीं है, इंडिफिनिट की शादी इंडिफिनिट से करवाए, कॉन्टिन्यूअस की शादी कॉन्टिन्यूअस से, परफेक्ट की शादी परफेक्ट से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की शादी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से करवाए। समझ में आया, क्लियर है, हाँ भाई जय हो, शादी हो गई, बधाई हो। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो चेंज हो गया, अब आते हैं दूसरे गांव में, क्लियर,
अब आते हैं दूसरे गांव में, भाई ये गांव नेक्स्ट लेवल का है, ये गांव क्या है नेक्स्ट लेवल का है, इसमें एक दो जो है ये जो है दोबारा शादी करने चाह रहे हैं, मतलब एक दो का डिवोर्स हो गया, समझ रहे हो ना, एक दो का क्या हो गया डिवोर्स हो गया, मतलब जो है नहीं बनी बात अच्छे से, तो वहाँ पर क्या हुआ जब डिवोर्स हो गया तो वो अपने गांव में ही, मतलब थोड़ा सा दो चार मोहल्ला छोड़कर, कैसे देखिए ऐसे समझो पास्ट इंडिफिनिट इनका डिवोर्स हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट अब भाई डिवोर्स हो गया अब शादी किससे करें, है ना, एक बार तो जात बिरादरी से हुआ था, अब ये क्या की एक मोहल्ला को छोड़ी, मतलब देखो केवल समझने के पर्पज से बता रहा हूँ, पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा ये समझो, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं 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 बगल बगल शादी नहीं करनी है, है ना, मोहल्ले की बगल ही नहीं करनी, एक दो मोहल्ला छोड़ देना है, तो पास्ट इंडिफिनिट ने पास्ट कॉन्टिन्यूस से शादी नहीं किया बल्कि पास्ट परफेक्ट से शादी कर लिया, मतलब एक मोहल्ला छोड़कर, हाँ ताकि ये जा रहे हैं ससुराल ठीक है थोड़ा चल कर जाएं, वॉक हो जाए मॉर्निंग वॉक, समझे अभी इतना, मतलब पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, इसी तरह अब आया पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट से तो शादी कर नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी भाग कर ले दोनों लोग, है ना, गांव की बात है, तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में जाना चाहिए फिर, हाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो पहले गांव का निपटारा यहाँ है ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट में, दूसरे गांव में दो हराम खोर निकल गए एक मोहल्ले को छोड़कर शादी किए, इतना समझदारी है इनका, बगल बगल नहीं किए, अभी इतना क्लियर है, अब आते हैं तीसरे गांव में, है ना, तीसरे वाले कहते हैं अभी हम सदिये नहीं करेंगे, सिंपल सम घुमारे ही रहेंगे बाबा बनेंगे, है ना, मतलब तीसरे में क्या हुआ उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे, हम दाढ़ी मूछ रखाएंगे आराम से बाबा बनेंगे कमाएंगे पैसा, है ना, यानी कि बिल चेंज हो गया किस में, वुड में चेंज हो गया, है ना, और सेल किस में चेंज हो जाएगा, सूड में चेंज हो जाएगा, सेल किस में चेंज हो जाएगा, सूड में चेंज हो जाएगा, समझे इतना, अब यहाँ पर देखिए पहले गांव में ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट, इसका मतलब क्या हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पहले गांव का काम हो गया, दूसरे गांव की बात करते हैं, दूसरे गांव में पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा पास्ट परफेक्ट को लेकर जाएगा, क्लियर है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, क्लियर है, और तीसरे गांव वाला कुंवारा रहेगा, मतलब बिल दाढ़ी मूछ बढ़ाकर वुड हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा सुड हो जाएगा, यानी कि यहाँ बिल क्या हो गया आपका वुड हो गया और सेल क्या हो गया सुड हो गया, बताइए इतना कभी भूलोगे तो नहीं, अबे इसके बावजूद अगर भूल गए ना तो तुम लोग का शादी ब्याह नहीं होगा, याद रखो यार, देखो तुम लोग समझ लो तीसरे कैटेगरी की होगी, फिर सोच लो कौन से कैटेगरी का होना, चलो अभी इतना क्लियर है ना, अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो छोटे छोटे पूर्व है ना, जो छोटे छोटे क्या हैं, हाँ पुरावा है इसे पहले लिख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए बाकी सब जो मोहल्ले बचे या पुरावे गांव के छोटे छोटे एक तरह से गांव के बच्चे, है ना, क्लियर है, तो जैसे हो गया आपका कैन, तो ये भी शादी नहीं करेगा, आई मीन कैन चला जाएगा किसमें, कुड में चला जाएगा, मैं है ये भी नहीं करेगा, तो मैं किस में चला जाएगा माइट में चला जाएगा, समझ में आया, कैन किस में जाएगा कुड में किस में जाएगा माइट में जाएगा, चलो दोनों दोस्त कुंवारे खुश रहो भाई, आगे बात करते हैं, अब हम बात करें अगर आपका सारे देखो जितने ऐसे जो घूम रहे हैं ना ये थोड़ा मॉडल बनकर घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं मॉडल बनकर, अबे हम मॉडल हैं, जिनको रखना हो अपने गांव में रखे, नहीं तो हम अकेले ही काफ़ी है, है ना, तो मॉडल से याद आए मॉडल्स, अब मॉडल्स से सारे नंबर कर दो, दो तो वहाँ निकल गए गाँव वाले हो गए, दो यहाँ हो गए, और क्या आता है आपका सुड, तो देखिए सुड चेंज ही नहीं होगा, ये कहेगा हम बाबा ही नहीं बनेंगे, हम ऐसे कमाए खाएंगे मस्त रहेंगे, क्लियर है, मस्ट ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब मस्ट का मस्ट ही कर देना आपको, क्लियर है, आर टू ये भी नहीं चेंज होगा, इतना क्लियर है, अब डेयर
बताइए डेयर किस में जाना चाहिए? डेयर जाएगा डेयर्ड में, याद रखना। एक्चुअली डेयर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है ना। डेयर किस में जाएगा? डेयर्ड में। खैर अभी इसको स्किप कर दे रहा हूँ, इसको बाद में स्पेशली बताएंगे। क्लियर है? नीड, नीडेड में जाएगा। हाँ जैसे मैं कहूँ मुझे पेन की ज़रूरत है, इसका मतलब मुझे पेन की आवश्यकता है, आई नीड अ पेन, कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है वहाँ पर, तो नीड जाएगा नीडेड में। क्लियर है? बाकी स्टार लगा दिए, बाद में इसको एग्जांपल से कवर करेंगे। और क्या बचा आपका बताइए? चलो अब फुटकर में देख लेते, समझ रहे हैं ना, और इजी बनाने के लिए। फुटकर का मतलब समझ रहे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, इसको चेंज कर देना वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर है? डू या डज को चेंज कर देना डिड में। क्लियर है? फिर इसके बाद में इज एम आर को चेंज कर देना वाज या वर में चेंज कर देना। क्लियर है? हैज या तो हैब को किस में चेंज कर देना, हैड में चेंज कर देना। क्लियर है? हैज या तो हैब को किस में चेंज कर देना, हैड में चेंज कर देना। लेकिन ये हो गया आपका। अब बात करते हैं हैज बीन को क्या चेंज किया जाएगा। बिल्कुल, हैज बीन या तो हैब बीन, इसको चेंज कर देना है हैड बीन में। क्लियर है? आगे आ जाते हैं वाज या वर, नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको किस में चेंज कर देना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाज या वर को किस में चेंज कर देना, वाज या वर को चेंज कर देना हैड बीन में चेंज कर देना। क्लियर है? वाज या वर को किस में चेंज करा देना, हैड बीन में चेंज करा देना। और हैड बीन को क्या चेंज किया जाएगा, नहीं, हैड बीन को चेंज ही नहीं करना, मतलब यही लिख देना है, हैड बीन का नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं करना है। अभी समझ में आया? आई होप इतने से काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर हम बात करें विल हैव को किस में चेंज करेंगे, अब कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, वो पता है क्या कहेंगे, विल को चेंज करेंगे वुड में, हैव को चेंज करेंगे हैड में। अबे नहीं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, है ना। यहाँ विल हैव है, विल को चेंज कर दो वुड में, हैव को हैव ही रहने दो, है ना। इसी तरह शैल हैव को किस में चेंज कर देना, शुड हैव में। क्लियर है? अभी इतना समझे, ये चीज आपको चेंज करना है भाई। ये टेंस का चेंज आपका हो गया, एक बार रिविजन करवाएं, या सबको याद हो गया? चलो याद हो गया तो बिना देखे हुए बताओ, याद हो गया? आंख बंद करो, सबको आंख बंद करो। हाँ चलो अब बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाएगा? आंख बंद करो सब लोग, है ना, देखो मत। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बिल किस में जाएगा? वुड में। शैल किस में जाएगा? कैन किस में जाएगा? मे किस में जाएगा? शुड, शुड में ही। मस्ट, मस्ट में ही। आर टू में ही, है ना। डेयर, डेयर्ड में। नीड, नीडेड में, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू या डज, डिड में। अच्छा डिड किस में जाएगा? डिड जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, याद रखना। डिड जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज एम आर किस में जाएगा? वाज या वर में। हैज या हैव किस में जाएगा? हैड में जाएगा। हैज बीन किस में जाएगा? हैड बीन में। हैव बीन किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा, है ना। वाज या वर किस में जाएगा? हैड बीन में जाएगा। वाज या वर किस में? हैड बीन में जाएगा। और हैड बीन का चेंज ही नहीं होगा। विल हैव किस में जाएगा? वुड हैव में। वुड हैव में। शैल हैव, शुड हैव। समझ में आया? अब आंख खोल लो। हाँ, कोई सो तो नहीं गया था? हाँ, नहीं तो एक नींद पूरा कर लिया हो। चलो अभी समझ में आया, यानी कि पहला हम लोगों ने देखा एक सेड में चेंज होता है, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर चेंज होता है,
तीसरा यहाँ प्रोनाउन का चेंज होता है, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा son 1 2 3 से, है ना। और चौथा चेंज हम लोगों ने देखा टेंस में चेंज होता है। इसके बाद में एक और चेंज है, है ना, और वो है कि नियरेस्ट वर्ड को फारेस्ट वर्ड में चेंज करना। पहले से लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं उसे। हाँ इसे लिखिए। चलिए अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट चेंज होता है, वो लिस्ट मुझे दीजिएगा। जैसे नाउ चेंज हो जाता है, उसमें नियरेस्ट वर्ड को नियर वर्ड को फार वर्ड में चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर जैसे नियरेस्ट वर्ड को नियर वर्ड को फार वर्ड में चेंज करना है। नियर मीन्स दूर, फार मीन्स नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। क्लियर है। इसमें चेंज किया जाता है, तो एक पांचवा कन्वर्जन यहाँ से होता है। क्लियर है। आपको कैसे याद रखना है, सिंपल सा, जैसे एगो किस में चेंज हो जाएगा, बिफोर में। एगो किस में चेंज होगा, बिफोर में चेंज होगा। कम किस में चेंज होगा, गो में चेंज हो जाएगा। कम किस में चेंज हो जाएगा, गो में चेंज हो जाएगा। हैंस किस में चेंज होगा, देंस में चेंज हो जाएगा। हैंस चेंज होगा देंस में। हियर किस में चेंज होगा, हियर चेंज हो जाएगा आपका दियर में, है ना। हियर चेंज होता है दियर में। और दिस नाउ किस में चेंज हो जाएगा, नाउ, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। और दिस किस में चेंज हो जाएगा, हाँ दिस चेंज हो जाता है आपका डैट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। और इसी तरह अगर हम बात करें दीज, है ना, अब हाँ दिस किस में चेंज होगा, डैट में चेंज होगा। और दीज किस में चेंज होगा आपका, दीज चेंज हो जाएगा दोज में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। और दस, दस चेंज हो जाएगा सो में। दस चेंज किस में होता है, सो में। और टुडे किस में चेंज होता है, डैट डे में चेंज हो जाएगा। और टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज की रात, टू नाइट चेंज हो जाएगा किस में, डैट नाइट। क्लियर है। टू नाइट किस में चेंज होगा, डैट नाइट में। इसके बाद में टुमारो, हाँ टुमारो चेंज हो जाएगा किस में, ना बच्चा, टुमारो मीन्स आने वाला कल, तो टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे में, हाँ द फॉलोइंग डे। या इसको चेंज कर सकते हो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। क्लियर है। इसके बाद में यस्टरडे, यस्टरडे किस में चेंज होगा, तो यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो फॉलोइंग का अपोजिट प्रीवियस हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में। किस में चेंज होगा, द प्रीवियस, ओ यू एस है, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। या द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा, एक दिन पहले, द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा। इतना समझे। अब इसके बाद एक और होता है, देखो कहीं भी नेक्स्ट मिल जाए तो नेक्स्ट को चेंज करना है द फॉलोइंग में, इतना याद रखो। नेक्स्ट को किस में चेंज करना है, द फॉलोइंग में। तो यहाँ पर कई सारा अपने आप मिल जाएगा, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट नाइट द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, इसी तरह लास्ट, है ना। लास्ट चेंज हो जाता है द प्रीवियस में। लास्ट किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस में। तो लास्ट मंथ किस में चला जाएगा, द प्रीवियस मंथ। लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर। और लास्ट डे द प्रीवियस डे। क्लियर है। बस आपका ये चेंज हो गया कंप्लीट। क्लियर है। इसे लिख लीजिए। अब आपके हाथ में, आप कोई भी सेंटेंस करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर टेंस में चेंज नहीं होता है। टू सिचुएशंस वेयर टेंस इजंट चेंज, जहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। एक ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज, ध्यान से समझना, रिपोर्टिंग क्लॉज, यदि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है। और दूसरा कंडीशन ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्चुअल डेटा हो,
कोई फैक्चुअल डेटा हो। अब फैक्चुअल डेटा में सारे फैक्चुअल आ गए। अब फैक्चुअल डेटा में जैसे आ गए आपका साइंटिफिक फैक्ट हो गया कोई, है ना, साइंटिफिक फैक्ट, या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, या हो गया आपका हैबिचुअल, है ना, हैबिचुअल ट्रूथ, या हो गया आपका हिस्टोरिकल ट्रूथ, है ना। कुल मिलाकर आप याद रखो फैक्चुअल डेटा, क्लियर है, जो फिक्स है हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, तब वहाँ पर टेंस में चेंज नहीं करते हैं। अभी समझे इतना, ये सही है ना। सीधा दो कंडीशन याद रखो जहाँ पर टेंस में चेंज नहीं होगा, कैसे अप्लाई करते हैं, क्लियर है। जैसे देखिए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग द फूड, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो देखिए, ही चेंज नहीं करना है, छापो ऐसे, इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है। सेज टू टेल्स में जाएगा क्यों, ये भी कंडीशन थी। सेज टू टेल्स में उस समय जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच का अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव हो, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव हो। अगर ये इंटेरोगेटिव होता तब आस्क होता, नहीं समझे, समझे, तो क्या बात है फिर। तो यहाँ टेल्स होगा, क्लियर है। और मी को भाई, देखो उसे और मुझे बिल्कुल छेड़ो मत, आई मीन पहले और तीसरे को नहीं छेड़ना, बीच वाले को भले कर दो, बीच वाले को बिना छेड़े काम ही नहीं चलेगा, क्लियर है। चलो, इसका मतलब ऐसे समझो, जब शादी में जो अगुआ रहता है वो दोनों तरफ से पीटा जाता है। अब ये लड़की के भी तरफ से गाली मिलती है अगर खराब हो गया, तो लड़कों की भी तरफ से, पहले दूसरे को नहीं। खैर ठीक है, ज़्यादा बता दिए। अब यहाँ पर दूसरा, पहला तो चेंज यही होता था, अब याद आए ये रूल काम कर रहा है ऊपर वाला। दूसरा चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो अब बताइए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डेट में हो जाता है, इफ या वेदर में जाता है, टू में जाता है, लेकिन लेकिन सेंटेंस कैसा है, असर्टिव, मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव हो तब वहाँ क्या लगता है, डेट लगता है, लगाओ डेट, ये हो गया। अगला चेंज होता है प्रोनाउन, अगला चेंज होता है प्रोनाउन का चेंज। अब प्रोनाउन में सिंपली एस ओ एन 1 2 3, है ना, एस ओ एन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई बचा ही नहीं चेंज करने वाला, तो चेंज ही नहीं होगा भाई, सिंपल सा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट के अनुसार, आई मीन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकंड, आई मीन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज करोगे, कोई बचा, चेंज ही नहीं करेंगे फिर, सिंपल सा, क्लियर है। पहले वाले को पहले के अनुसार, दूसरे वाले को दूसरे का, दूसरे वाले के अनुसार, क्लियर है। चलो अभी ये आई कौन से नंबर का प्रोनाउन है, फर्स्ट, आई बी से रिलेटेड फर्स्ट पर्सन में, स्पीकर होता है ना, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। इज एमआर किस में जाएगा, वाज यवर में, क्या लगाया जाए, वाज। आगे क्या हो जाएगा, ईटिंग द फूड, जो बहादुर खद्दरधारी सेंटेंस को गलत करो बारी बारी। अबे गलत है, रूल लिखा है रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब टेंस में चेंज नहीं होगा, काहे कर रहे हो फिर, है ना, समझे। यहाँ पर आई के साथ हम लगा, ही के साथ इज लगेगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। समझ में आया, सीधा सीधा लिखा है, फिर भी पाप कर देते हो तुम लोग, ये समझ लो। आगे देखे दूसरा, अब आई सेड टू, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू दे आर हंग्री, है ना, दे आर हंग्री, नहीं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा एक चीज और यहाँ ऐड कर लो, प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब समझ रहे हैं, कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे करनी वैसे भरनी, आए दिन कल तुम्हारे ऊपर पार उतरनी, है ना, वही चीज,
तो प्रोवर्ब हो, कोई कहावत हो, तो यहाँ ये कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी रणनीति। गजब की, कितनी अच्छी बात कही। चलो क्या होगा, आई सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। यू का यू ही कर दिए, यहाँ क्या लगेगा, डेट हो गया। अब ऑनेस्टी और वाच, इज एम आर किस में जाता है, हाँ लेकिन ये क्या है, कहावत है, ये कंडीशन, यही दो याद रखना है ना, ये दो को हम पहले बता दिए क्योंकि गलती इसी दो में होती है। सारे टीचर क्या करते हैं, इस दो को बाद में बताते हैं, और हम लोग का दिमाग है इज एम आर वाज एवर में जाएगा। अब हम पहले फोकस कर दिए तो आपका दिमाग सबसे पहले आप चेक करोगे, अबे कहीं दुई कंडीशन तो नहीं है, नहीं तो हम टेंस चेंज करके बैठे हैं और ये कह रहे हैं काय कर रहे हो। तो यानी कि यही रहेगा है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बताइए समझ में आया अच्छे से, चलिए इसे छापिए लिखिए, आज का एपिसोड यहीं तक।